यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। जिले के हरिहरगंज शहर के थाना रोड स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र के शुभारंभ के अवसर पर सोमवार को विद्यालय परिसर में पूजा पाठ एवं हवन आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी आचार्यों व भैया बहनों ने भाग लेकर हवन कुंड में आहुति दी। सुदर्शन मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया। इस दौरान स्वाहा की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। इससे पूर्व विद्या की देवी सरस्वती व भारत माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सोमवार से विद्यालय का नया सत्र 2019-20 परंपरागत तरीके से शुरू हो गया है। वहीं हवन पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण के साथ छात्रों का अभिनंदन तिलक कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा गया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही रामचरित मानस का पाठ एवं हनुमान चालीसा का सस्वर गायन हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य ने पूरे सत्र में होने वाली कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। आचार्य संजय कुमार सिंह, नवीन कुमार पांडे, मोहन ठाकुर, सत्येंद्र ठाकुर, दीपक ठाकुर, नीलिमा मेहता, रंजू कुमारी, संजू कुमारी, प्रियंका कुमारी सहित कई लोगों की आज के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही।